मतलब लगातार नहीं आ रहे हम जब जमशेदपुर में पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे ऐसी चर्च घूमने के लिए आए। घूमने का लगा, घूमने में यहाँ कर अच्छा लगा। हा? अच्छा लगा, दुनिया में मनाता है और हम लोग घूमने आ जाते हैं, हम लोग पर्सनल ये सब नहीं मनाते हैं। अच्छा, घूमने तो बहुत ही पसंद है। हाँ। मेरा एक तरह से फेवरेट फेस्टिवल भी है। हाँ। और तरह तरह के मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, सब धर्म के लोग। आराम से कैंडल जला सकते थे, अभी तो पूरा अंदर जाने का कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। हम हिंदू धर्म से आते हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, पंडित जी है। के दिन क्रिसमस के दिन, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, लोग एक विश्वास के साथ लोग आते हैं। शानदार ड्रॉइंग है इनका। कब से आ रही हैं आप? बस अब फर्स्ट। फर्स्ट, कैसा लगा घूमने में यहाँ आकर? अच्छा लगा। हा? अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? देवांगना से आ रहे हैं। देवांगना घर है कोडरमा। अच्छा, घर है कोडरमा, आप वहाँ से यहाँ आए हैं? प्रियंका। अभी पहली बार आए? नहीं, हम पहले भी आते थे यहाँ पे। पहले भी? आपका घर कहाँ हुआ? मेरू BSF, यही हजारीबाग ही पड़ता है मेरू। चलिए, काफ़ी लोग लगभग बात की जब फादर साहब यहाँ, तो 10,000 से 15,000 की जो संख्या में लोग आते हैं जाते हैं, क्या व्यवस्था यहाँ देखने को मिला आपको? व्यवस्था पहले तो खैर अंदर जाने मिलता था, अभी बाहर ही कर दिया। अभी अंदर चार्ज ढंग भी दिया गया ताकि पूरा बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है। अंदर जाके आराम से कैंडल जला सकते थे, अभी तो पूरा अंदर जाने का कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, तो बाहर ही कर दिया, तो पता ही नहीं चल रहा है चर्च। मतलब अंदर जाने के इरादे से ही आए थे और यहाँ पता चल रहा है कि पूरा ब्लॉक कर दिया है। उनका कहना ये है कि अगर सब लोग अंदर एक ही बार चल जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब भीड़ हो जाता है तो संभाल नहीं पाता, परेशानियाँ होती। हाँ हाँ, शायद इसी वजह से। क्या नाम है अच्छा आपका? ये बोल नहीं पाता है अभी, बोल यहाँ से 2 साल से आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? हजारीबाग से ही आए। हजारीबाग, कैसा लगा घूमने में यहाँ? अच्छा लगा। थोड़ा हमें क्रिसमस डे के बारे में जरा बताइए। क्रिसमस डे ईसा मसीह के दिन से ही हम क्रिसमस डे मनाते हैं, फिर यहाँ कैंडल जलाने का ये है मतलब परंपरा, जिस तरह हम लोग का दुर्गा पूजा रामनवमी फेस्टिवल मतलब हिंदू लोग के लिए होता है, उसी तरह हम लोग के लिए क्रिसमस मतलब यहाँ कैंडल जलाकर मनाया जाता है। और तरह तरह के मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, सब धर्म के लोग आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से काफ़ी मैंने बात किया, जो लोग रामगढ़ से कहीं कहीं दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, तो आते हैं घूमते हैं, अच्छा लगता है उनको। हाँ, कोर्रा से आए। कैसा लगा घूमने में यहाँ? हाँ, अच्छा ही लगा, क्योंकि हम भी 2 साल से यहीं रह रहे हैं हजारीबाग में, तो हमेशा आते हैं मतलब हर बार, तो अच्छा ही था, डेकोरेशन भी अच्छा ही यहाँ पे बनता है। मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप जरा यहाँ लोग क्यों आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे सकते हैं? हाँ, मतलब जीसस को वर्शिप करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, और मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, मतलब यहाँ का जो डेकोरेशंस है और वगैरह, मतलब बाकी जितने भी चीज़ें हैं। और वैसे भी मुझे क्रिसमस बहुत ही पसंद है, मेरा एक तरह से फेवरेट फेस्टिवल भी है, मुझे इसे मतलब मनाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो बोले कि अभी की पहले से आ रहे हैं? मतलब नहीं, मतलब मुझे पसंद है, लेकिन ये चर्च मैं पहली बार आई हूँ। कहाँ से आई? पहले बार आए। पहली बार कहाँ से आए आप? नहीं, बंसीलाल चौक। बंसीलाल चौक जी। कैसा लगता है घूमने में, यहाँ आने में? बहुत अच्छा लग रहा है। किसके साथ आए हैं आप? हम लोग बच्ची लोग के साथ आए हैं। थोड़ा क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा इसके उपलक्ष्य मतलब क्या होता है, थोड़ा जानकारी दे सकते हैं यहाँ लोग क्यों आते हैं? क्रिसमस डे। अच्छा, इसी वजह से गॉड से प्रे करने हम लोग यहाँ पे आते हैं, और हम लोग के यहाँ पे बहुत खुशी होता है आने में, यही बात। तो पहली बार आप लोग आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं हम लोग, और जब यहाँ पे कोरोना नहीं था तब हम लोग आए थे, कि जब कोरोना हो गया तो हम लोग आ नहीं पाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरस फैला हुआ था, आने में दिक्कत थी, क्योंकि जब आएंगे तो भीड़ लगेगा, जब भीड़ लगेगा तो कोरोना फैलेगा। उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं, बहुत खुशी है हम लोग को कि आज हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बात क्यों आते हैं? घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, बच्चे सबको जब स्कूल जाते हैं, क्रिसमस जब मनाते हैं, तो इसी के कारण से आते हैं बच्चे सब के लिए। तो इसके उपलक्ष्य में कुछ स्पेशल करते हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग स्पेशल इसके अवसर में तो कुछ नहीं करते हैं, दुनिया में मनाता है, पर हम लोग घूमने आ जाते हैं, हम लोग पर्सनल ये सब नहीं मनाते हैं। अच्छा, घूमने का नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं आप? शिवानी। कहाँ से आए आप? चेरी। चेरी से आए जी। कब से आ रहे लगातार यहाँ आप?
मतलब लगातार नहीं आ रहे। हम जमशेदपुर में पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे ऐसी चर्च घूमने के लिए आए। घूमने के लिए फ्रेंड के साथ आए या तो फिर अपने से आए कोई इनवाइट? नहीं, मेरी सिस्टर यहीं रहती है तो हम उसी के पास आए। चलिए, कैसा लगा घूमने में यहाँ? बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू। मैं और बात करूँगा क्या? प्रिया कुमारी। कहाँ से आए आप? हजारीबाग। क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, थोड़ा जानकारी देंगे आप? क्रिसमस डे, आज क्रिसमस का बर्थडे है। यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, यहाँ जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है और सारे लोग आते हैं यहाँ पे और जो है सो दुआ मांगते हैं, समाज में अमन चैन की दुआ मांगते हैं सारे समाज से। हम लोग भी जो हैं सो इस समाज से नहीं लेकिन आए और भगवान से प्रार्थना किए हैं कि समाज में अमन शांति बना रहे। हम हिंदू धर्म से आते हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं। अब कब से आ रहे हैं लगातार यहाँ? हम लगातार 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं। लगातार लगता है, बहुत आनंद मिलता है। पूरा ये दुनिया में मनाया जाता है जो कि आज ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में जैसे हम लोग आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह से आज यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और बहुत आनंद आता है यहाँ आके, बहुत मन शांति मिलती है। काफी भीड़ रहता है, देख रहे हैं काफी भीड़ है यहाँ। कब से आ रहे हैं आप? हम लगभग 4 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ सर, और यहाँ पे क्रिसमस गैदरिंग भी साथ में दोस्त लोग हैं क्रिश्चियन के तो उन लोग बुला लेते हैं तो मनाते हैं तो मुझे भी अच्छा महसूस होता है। काफी भीड़ रहता है, लोग दूर दूर से, आप बोल रहे जिस तरीके से रामगढ़ से आप आए हैं जी, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है यहाँ? हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से सर। पहले होता था कि ये पंडाल थोड़ा सा भी लगा दिया गया है, लेकिन पहले चर्च भी खुला रहता है ना, उस समय देखने में कुछ यहाँ नज़ारा ही काफ़ी अनोखा तो है। पंडाल जैसे कि पूरा चर्च अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, जैसे मॉर्निंग का टाइम रहता है खुला रहता है तो क्रिसमस का कैसे रूल रेगुलेशन है, फादरों का कैसे मतलब कि पुरोहित का आगमन मतलब कि इन लोग स्वागत के साथ किया जाता है वो चीज़ दर्शाया जाता है, और मिसा जब होता है क्रिसमस केट करता है, और जीसस का जब जन्मदिवस मनाया जाता है तो लगने लगता है कि सचमुच हजारीबाग में बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। और साथ में ये माहौल ही बता दे रहा है कि रात्रि 11 बजे से शुरू होता है, ऐसे दिन भर चलते रहता है। और ये रात्रि आज 11 बजे शुरू हो गया या कल हो गया था? नहीं, 24 का रात्रि में ही 11 बजे शुरू हो गया और जैसे 12 बजे का रात्रि आया तो उस समय जीसस का जन्मदिवस मनाया गया सर। पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है जी सर, पूरा फ्रांस से शुरू होता है, पूरा विश्व जीसस को याद करता है, बाइबल को पढ़ते हैं। ये देखिए कितना शानदार ड्राइंग है इनका, ईसा मसीह का ड्राइंग काफ़ी शानदार है। कितना दिन टाइम लगा इसको बनाने में? 2 घंटे। 2 घंटे में बना दिए हैं, अपने से बनाया है? यस। शानदार काफ़ी। पेंसिल क्या क्या का यूज किए हैं बनाने में? बस पेंसिल, शेडिंग पेंसिल। हाँ, तो इससे पहले प्रैक्टिस किए थे या डायरेक्ट बना दिया? नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते थे। हाँ, आप किस चीज़ का प्रे करेंगे? बस हम यही प्रे करेंगे कि हम जो अपना काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाए। हाँ। बस वही मैं प्रे कर रहा हूँ, और क्या करेंगे। क्या, कब से आते हैं यहाँ? यहाँ तो लगभग 7 साल से आ रहे हैं हम। 7 साल से जी। 7 साल पहले क्या देखने को मिलता था, इतना दिन में क्या चेंज? बहुत चीज चेंजेज हुई यहाँ का माहौल ये वगैरह, यहाँ का डेकोरेशन वगैरह पहले जो सिंपल था और अब बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है। यहाँ के जो फादर वो हमेशा हम लोग के रूम आते हैं, सबको बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं कि आइए आप लोग यहाँ पे खुशहाली बनाइए ये वगैरह वगैरह। मेरा नाम हुआ विजय कुमार मसीह, मैं झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ और एज ए शिक्षक भी हूँ, प्लस टू हाई स्कूल कटकम झंडे में। यहाँ पर ये जो लोग हैं जमा जो हो रहे हैं लोग, ये जो भीड़ एकत्रित हो रही है, ये विगत 5-7 वर्षों से ये परंपरा चला रहा है कि लोग आज के दिन क्रिसमस के दिन जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, लोग एक विश्वास के साथ लोग आते हैं और चरनी के सामने सर टेक कर और मोमबत्ती जलाते हैं, अपनी मनोकामनाओं जो इच्छा है मनोकामना मानते हैं लोग, मन्नत मानते हैं। और ये यहाँ ही नहीं, हजारीबाग स्थित जितना भी चर्च है, आप चले जाएँ यहाँ से बस स्टैंड, वहाँ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई चर्च है, उस चर्च में भी काफ़ी भीड़ एकत्रित है। मैं वहाँ से भी अभी होकर आ रहा हूँ और इस तरह से पूरे मोहल्ल हजारीबाग में जहाँ जहाँ क्रिसमस ट्री और चरनी बनी है, लोग एकत्रित हो रहे हैं और लोग जीसस क्राइस्ट से अपनी मन्नतें को मांग रहे हैं, उनसे आशा कर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये मेरी मन्नत मांगने से पूर्ण हो जाएगा। लोग बाहर भी खड़े हैं, लोग मोमबत्ती ले रहे हैं और यहाँ जला रहे हैं। तो काफ़ी दूर दूर से मैंने बात किया, लोग रामगढ़ से, हजारीबाग के कई इर्द गिर्द शहर से आते हैं। क्या व्यवस्था देखने आप लोग करते हैं यहाँ, व्यवस्था कैसा रहता है यहाँ? व्यवस्था है क्योंकि यहाँ मिडनाइट चर्च होती है, संध्या शाम में भी इवनिंग चर्च भी होती है और रात में चर्च होती है क्योंकि 24 तारीख क्राइस्ट का जन्म 24 तारीख को 12 बजे रात में है, इसलिए रात में ही सारा फंक्शन खत्म हो जाता है। और आज के दिन लोग जितने मसीह भाई हजारीबाग के हैं वो अपने घर में लोगों को मेहमान गेस्ट आते हैं, लोग खाते पीते हैं और चर्च का पट भी बंद रहता है। लोग उसी स्थिति में लोग घूमते हैं, लोग इधर उधर आकर सब देखते हैं कि लोग कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ मसीह भाई लोग आते हैं या सब हर एक कम्युनिटी के लोग आते हैं? ये अभी जो इस वक्त आपको जो भीड़ दिख रही है इसमें मसीह भाई आपको लगभग नथिंग,
ये आप, हाँ ये अदर कास्ट के लोग या अदर समुदाय के लोग जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अब एक अपने घर से बच्चों को लेकर आते हैं और सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री को दिखाते हैं कि क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ। आपने सांता जी बोला, ये क्रिसमस डे हमको तो समझ में आता है क्योंकि ईसाई ईसा मसीह का जन्मदिन है, 25 दिसंबर को जन्म हुआ था, इसी वजह से पूरा दुनिया में मनाया जाता है। ये सांता हमें जरा समझाएं। जी सांता क्लॉज ये इसकी कहानी है। ये निकोलस एक आदमी थे जो एक बुजुर्ग थे, फादर थे, और उनका बाल बच्चा नहीं था, उनकी शादी का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, और वो अपने समय में अपने ज़माने में वो दूसरों को खुश रखने, खासकर बच्चों को, वो घर को अपने वो खुद से एक गुड़िया डॉल बनाया करते थे, और क्योंकि बारिश होती थी विदेशों में रोमन साम्राज्य के समय में और बर्फ़ पड़ते थे, तो वो रात में ही घर जाते थे लोगों को दूर दूर अपने गाड़ियों से, और बच्चों के सोए हुए में उनके घर में एक गिफ्ट रख के आ जाते थे। लोग बच्चे सुबह उठते थे और उस गिफ्ट को देख के बहुत खुश होते, प्रसन्न होते थे। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है, और वो निकोलस ही उनका ओरिजिनल नाम था जो जिनको जाना फादर के नाम से, और वो छुप छुप कर जाते थे बच्चों के घर में, वो गिफ्ट है, मिठाई है, टॉफियाँ वो दिया करते थे, अब बच्चे उसको पाकर काफ़ी प्रसन्न होते थे, और लोग ये उम्मीद पर रहते थे कि सांता क्लॉज आएंगे और मेरे लिए खुशियाँ लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, इसी उद्देश्य ये सांता क्लॉज बनाया गया। हाँ, तो ये क्रिसमस डे के दिन ही क्यों? क्योंकि क्रिसमस डे, क्योंकि क्रिसमस डे ये वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय का ही ये बात है। हाँ। क्योंकि वो ठंड का ही मौसम हुआ करता था दिसंबर के टाइम में, और जैसे क्राइस्ट का जन्म का कोई नियत तिथि नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि 25 दिसंबर 24 को रात हुआ, लेकिन दिसंबर टू जनवरी ये पूरा मंथ ही क्रिसमस सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में वो लोग करते हैं, और हम लोग भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं।